अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, फ्री रेडिकल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये इजी है, इसको मुश्किल नहीं समझना। स्लाइड नंबर 2 पे आप आए तो मैंने फ्री रेडिकल्स को दिखाया कि ये जनरेट कैसे होते हैं। अच्छा, एक आपके पास क्लीवेज होता है होमोलिटिक क्लीवेज और एक हेटरोलिटिक क्लीवेज, कोवलेंट बॉन्ड का। तो होमोलिटिक में होता है कि आपको पता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बना होता है। तो एक दोनों एटम्स जो हैं, जो टूट रहे हैं, या ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, जो भी हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों के पास एक एक चला जाता है। तो उसके नतीजे में रेडिकल्स बनते हैं, जैसे आपको फर्स्ट दिखाया गया। और इसको ना फिश हेडेड एरो से शो करते हैं। फिश का मतलब है कि एक तरफ उसका आपने निशान लगाना है, दूसरी तरफ नहीं है, उसे डबल हेडेड एरो कहते हैं। अच्छा, दूसरा क्लीवेज होता है हेटरोलिटिक, जैसे आयंस जिसमें बनते हैं। पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो एक की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसके नतीजे में वो एनायन बनता है, और जिसके पास डिप्राइव होता है वो कैटायन बन जाता है। हेटरोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में आपके पास कैटायन एनायन बनते हैं, उसको डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। और होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स को आपने फिश हेडेड एरो से शो करना है, और ये बहुत रिएक्टिव होते हैं क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी इनको एक और इलेक्ट्रॉन मिलता है तो ये या जनरेट कर देते हैं दूसरे स्टेबल मॉलिक्यूल्स में भी फ्री रेडिकल्स। तो ये ना रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स के तौर पे कई जगहों पे बने होते हैं। इनको आइसोलेट करना भी मुश्किल होता है, डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है। अच्छा, अब स्लाइड नंबर 3 पे आई हूँ, इसकी डेफिनेशन देखें। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल। फ्री रेडिकल्स मे हैव पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो चार्ज। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कॉज रेडिकल टू बी हाईली रिएक्टिव। ठीक है, अब ये देखें, मिथाइल रेडिकल आपको दिखाया गया है, और कार्बन के पास, आपको पता है कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चार बॉन्ड बनाए होते हैं अगर सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। ठीक है, अब इसी तरह रिंग वाले स्ट्रक्चर में देख लें, बेंजीन रिंग के साथ जब आपके पास CH2 है, उसके पास भी तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है, इसलिए इसको फ्री है, मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं है, तो हम इसे फ्री रेडिकल बोल देते हैं, चाहे वो रिंग स्ट्रक्चर के साथ है या कहीं पे भी है। अब मैं आई हूँ स्लाइड नंबर 4 पे। इन गैशियस स्टेट फ्री रेडिकल्स आर इजीली फॉर्म्ड, मोस्ट ऑफ देम आर फॉर्म्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बिकॉज रिएक्शन कर जाते हैं ना, डिफिकल्ट है टू आइसोलेट, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, लॉन्ग लिव रेडिकल्स आर स्टेबल बिकॉज दे एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग लिव्ड कौन से होंगे? जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने रेजोनेंस वगैरह पढ़ी हुई है, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा हुआ है। तो जितना ज़्यादा वो हम कहते हैं ना, स्टेबल कंपाउंड कब होता है, जिसमें उसमें रेजोनेंस हो, दूसरे फैक्टर्स हमने पढ़े हुए हैं। तो इसी तरह कुछ रेडिकल्स लॉन्ग लिव्ड होंगे, कुछ शॉर्ट लिव्ड होंगे। तो अच्छा, स्ट्रक्चर में अब आपने, इसकी स्ट्रक्चर होती है जी प्लेनर। प्लेनर स्ट्रक्चर आपको पता कब होती है? जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। ये मैंने स्लाइड ली थी 4th कहीं से। तो प्लेनर आपने स्ट्रक्चर रखनी है इसकी, और प्लेनर स्ट्रक्चर जब होती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और उसके पास एक p ऑर्बिटल होता है, और p ऑर्बिटल के अंदर ही वो जो फ्री रेडिकल का ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा होता है ना, वो मौजूद होता है। एंगल आपको पता है 120 डिग्री होता है। अच्छा, अब मैं आई हूँ स्लाइड नंबर 5 पे। अब फ्री रेडिकल बनते कैसे हैं, यानी कि होमोलिटिक क्लीवेज होगी कब? ठीक है, मैंने आपको बताया उस सिर्फ तभी बनते हैं ये। तो उसके तीन तरीके होते हैं, थर्मल रिएक्शन यानी हीट, और फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है, लाइट वगैरह इन्वॉल्व होती है, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब कहाँ, किन कंपाउंड्स में हो रही होती है? ठीक है, ये होता क्या कि वीकर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं वो डिसोसिएट होते हैं रेडिकल्स के अंदर, एज कम्पेयर टू द स्ट्रोंगर कोवलेंट बॉन्ड्स। और किस कब बनते हैं? जब होमोलिटिक क्लीवेज होती है। होमोलिटिक क्लीवेज के नतीजे में जब वीकर कोवलेंट बॉन्ड्स जो हैं,
थर्मल रिएक्शन करते हैं, अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं या रेडॉक्स करते हैं तो उसके नतीजे में फ्री रेडिकल बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं थर्मल रिएक्शन। अब ये हम देख रहे हैं कि थर्मल रिएक्शन होता है, यानी हीट दी जाती है किन कंपाउंड्स में। कंपाउंड्स की शक्ल देखें, बेंजाइल पर ऑक्साइड्स, यानी एक तरह से आप ये भी लिख सकते हैं कि पर ऑक्साइड्स, ए में देखें पर ऑक्साइड्स हैं। अब बेंजाइल ग्रुप है, ठीक है, बेंजीन के साथ कार्बनाइल ग्रुप है और दरमियान में परऑक्साइड मौजूद है। अब जब इसको हीट करेंगे तो ये जो ऑक्सीजन है दोनों के दरमियान, ये होमोलिटिकली क्लीव करेगी, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन के दरमियान, दोनों ऑक्सीजन के दरमियान है, वो एक ऑक्सीजन पे चला जाएगा, दूसरा दूसरे पे चला जाएगा और बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये आपको फ्री रेडिकल मिले, ठीक है। अब ये फर्दर भी ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है। वंस फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड दे डोंट स्टॉप, दे आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट, क्योंकि वो फर्दर ब्रेकअप हो जाते हैं या फर्दर रिएक्शन कर जाते हैं, कपलिंग कर जाते हैं। तो आप देखें कि ये ऑक्सीजन के ऊपर जो रेडिकल है, एक इलेक्ट्रॉन आया, ये आ जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, और जो आपका कार्बन और बेंजीन के साथ ग्रुप है ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, तो आपके पास न्यूट्रल सी ओ टू आइसोलेट हो जाएगी। पता है ना, सी ओ टू में कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड होते हैं, और बेंजीन के ऊपर आपके आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आप देखें कि दो तरह के फ्री रेडिकल आपके पास जनरेट हो गए हैं। तो याद आपने इसमें रखना कि हीट करने से जब पारऑक्साइड्स होते हैं तो वो इस तरह के फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं। दूसरा, एजो कंपाउंड्स, एजो क्या कहलाते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं, ठीक है। अब नाइट्रोजन आप देखें कि है, और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाती है तो न्यूट्रल होती है। अब नाइट्रोजन के दोनों तरफ देखें कि मीथाइल ग्रुप लगा हुआ है, अब इसको जब हीटअप करते हैं तो क्या होता है कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन आइसोलेट होगी, और यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान का जो बॉन्ड है ना वो टूटता है। कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान के जो बॉन्ड है उसके दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है मीथाइल के पास, तो इसके नतीजे में न्यूट्रल नाइट्रोजन आइसोलेट हो जाती है और दो मीथाइल रेडिकल बन जाते हैं। अब ये चेंज भी हो सकता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होना, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों तरफ, अगेन हीट करने से बॉन्ड आप देखें हमेशा कौन सा टूट रहा है, कार्बन नाइट्रोजन का टूट रहा है और नाइट्रोजन ने निकल जाना है, ठीक है। तो मुख्तलिफ तरह के अगर आपको रेडिकल चाहिए उस तरह के स्ट्रक्चर का आप एज अ कंपाउंड उठा लो, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल बन के निकल जाएगी। अब टेट्राइथाइल लेड है, ठीक है, अब इसके अंदर भी जो लेड और कार्बन के दरमियान का बॉन्ड है ना वो टूटना है आपके पास, तो अगेन जब हीट करते हैं इसको तो आपके पास इथाइल चार जो ग्रुप हैं वो आइसोलेट होते हैं। अच्छा, दो इथाइल ग्रुप अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगी, एन ब्यूटेन बन जाएगी, ठीक है। अब ये रेडिकल खत्म हो गया, तो इथाइल रेडिकल था बट नेक्स्ट खत्म हो गया और लेड आपके पास एज सच न्यूट्रल फॉर्म में निकल जाता है। सेकेंड ये था अबाउट थर्मल रिएक्शंस, ठीक है, पारऑक्साइड्स में और एजो कंपाउंड्स में। और जो फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी कि यूवी लाइट जब आती है तो तब भी कोवेलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीव करते हैं। अब किस किस्म के टूट रहे हैं, अब ये देखें यहाँ एसीटोन है, ठीक है, और कंपाउंड्स हैविंग एब्जॉर्प्शन बैंड्स इन द विजिबल और नियर वायलेट स्पेक्ट्रम, यानी ऐसे कंपाउंड जो कि यूवी विजिबल रीजन में अब्जॉर्ब करते हैं, तो उनके जो वीक कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो होमोलिटिकली क्लीव कर जाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अल्काइल हाइपोक्लोराइड्स, नाइट्राइल्स, एस्टर्स, कीटोन्स, इनके अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है क्योंकि यूवी विजिबल लाइट अब्जॉर्ब करते हैं और ब्रेकअप हो जाते हैं। अच्छा, अब अगेन आप देखें कि कार्बोनाइल और कार्बन के दरमियान का जो बॉन्ड है वो ब्रेकअप हो रहा है और दो डिफरेंट तरह के रेडिकल बन रहे हैं। अब वो आपको पता है एक और इसी तरह का रेडिकल मिलेगा तो आपके पास ईथेन बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास एसिटाइल रेडिकल जब दो मिल जाएंगे तो आपके पास अगेन एक और जो है डाई कीटोन बन जाएगी, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डाले जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है।
ये किस में होता है? जैसे कोल्ब रिएक्शन में होता है इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी और साथ में रेडिकल बन रहा होता है, और इसके दरमियान ऑक्सीडेटिव यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, अब ये टू स्टेज रेडिकल प्रोसेस होता है, रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है और फिर जो है फर्दर वो इंटरमीडिएट कंबाइन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब ये देखें कार्बोक्सिलिक एसिड था तो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हो रही है कि आपके पास एनोड पे आपके पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो चला गया और अब एनायन की जगह क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये CO2 अलग हो जाएगी और अगेन आपको पता होमोलिटिक क्लीवेज हो रही है। अब अगेन कार्बन और आर यानी कार्बन कार्बन के दरमियान भी होमोलिटिक क्लीवेज हुई और CO2 निकल गया और आर ग्रुप आ गया, वो कुछ भी हो सकता है आर ग्रुप। अब ये आर ग्रुप आपस में मिल भी सकते हैं। ठीक है, फेंटोन रिएक्शन में भी ना इस तरह से ऑक्सीडेशन होती है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन परोक्साइड आ गया। ठीक है, हाइड्रोजन परोक्साइड भी आ सकता है, टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रो परोक्साइड भी आ सकता है, जिस किस्म का आपको रेडिकल चाहिए ना। अच्छा, उसके अंदर आयरन 2+ स्टेज में है और आयरन जो है ना इसका एक आयरन जो है इसको इलेक्ट्रॉन दे के खुद ऑक्सीडाइज हो गया है और जो हाइड्रोजन परोक्साइड को कर देता है रिड्यूस। इसका अगर मैकेनिज्म देख तो इसके नतीजे में आपके पास OH रेडिकल बन रहा है। ठीक है, और मैकेनिज्म अगर आप देखें तो होता ये है कि परोक्साइड के पास जब आयरन 2+ में आता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और फिर ये जो हाइड्रोपरोक्साइड है होमोलिटिकली नहीं जबकि बल्कि हेट्रोलिटिकली क्लीव कर जाता है, हेट्रोलिटिकली क्लीव कर देता है। तो एक के पास पूरा आपके इलेक्ट्रॉन वो आ जाता है, पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड आयन बन गया और आयरन का जो इलेक्ट्रॉन था वो एक OH के पास आ गया, ये रेडिकल बन गया। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा रेडिकल नहीं चाहिए, OH रेडिकल नहीं चाहिए, कुछ और ग्रुप लगाओ, तो फिर क्या होता है जैसे टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरोक्साइड ले लिया आपने। अब आपको पता है कि दोनों ऑक्सीजन के दरमियान का बॉन्ड टूटना होता है, हाइड्रोक्साइड आयन आयन की शक्ल में चला गया और अब हाइड्रोक्साइड रेडिकल नहीं बना जब बल्कि टर्शरी ब्यूटोक्साइड आपके पास रेडिकल बन गया। ठीक है, और अगेन आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये हुआ है जी। अब स्लाइड नंबर 11 पे आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। इसमें तमाम वही फैक्टर्स आएंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, जिस तरह से बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, स्टेरिक इफेक्ट्स है, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड है, प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम्स हैं। ठीक है, ये तमाम आपके कॉन्सेप्ट अब यहाँ यूज होंगे, तो उसी वजह से फ्री रेडिकल स्टेबल होता है। जैसे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी बनने वाला रेडिकल उतना ही लेस स्टेबल होता है, इसी वजह से वो ज़्यादा एनर्जी लेता है, क्योंकि बनने वाला अगर स्टेबल होगा तो वो इजीली बन जाता है, यानी लेस एनर्जी में होता है। अब अगर आप मीथेन को देखें तो मीथेन से आपके पास प्राइमरी रेडिकल नहीं बनता, आपके पास सिंपल मीथाइल रेडिकल बनता है और उसके बनने में 101 अबाउट किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। आप अगर ईथेन लेते हैं तो उस वो प्राइमरी कार्बन प्राइमरी रेडिकल बनाता है। क्या किसे कहते हैं प्राइमरी रेडिकल? प्राइमरी रेडिकल ऐसा रेडिकल होता है कि जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन हो और वो फर्दर एक और कार्बन से अटैच्ड होता है। ठीक है, अब आप देखें 101 के मुकाबले में 98 किलो कैलोरीज चाहिए के, इसका मतलब है इट्स मोर स्टेबल, प्राइमरी रेडिकल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू मीथाइल रेडिकल। अब आगे भी ईथेन से आपके पास सेकेंडरी रेडिकल बना है, अब इसमें 98 की जगह 95 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए, इसका मतलब है सेकेंडरी रेडिकल इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी एज कम्पेयर टू मीथाइल। अब टर्शरी रेडिकल के बनने में 86 किलो कैलोरीज चाहिए, इसका मतलब है ये उससे भी ज़्यादा स्टेबल होगा। बेंजीन के लिए भी 100+ चाहिए, मीथाइल क्लोराइड के लिए 81 चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें कि एक ग्राफ है, एक साइड पे बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी है और दूसरी साइड पे एक्स एक्सिस पे स्टेबिलिटी दिखाई हुई है।
जो कि सबसे ज़्यादा है आपके पास टर्शरी रेडिकल की, और उसकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होती है। नीचे देखें, टर्शरी रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन सिंपल रेडिकल्स। बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी को नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखाया गया है। मिथाइल के बनने में 105 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए, प्राइमरी के 101, सेकेंडरी के 99 एंड टर्शरी के 97 किलो कैलोरीज पर मोल। इसकी वजह क्या होती है? इसकी एक वजह ये हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, तो मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स आर रेडिकल कार्बन एटम पोजेसेस द मोर स्टेबलाइज्ड इट बिकम्स फ्रॉम कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनती हैं। ठीक है, अब ये जैसे आपको देखें स्ट्रक्चर बना आके दिखाई गई हुई है, किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। जितनी ज़्यादा बनेंगी उतना ज़्यादा टर्शरी कार्बन जो रेडिकल है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बन रही होती हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर इसी तरह रेजोनेंस अगर हो, तो अगर जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा फिनाइल ग्रुप पे मूव कर सकता है, तो वो रेजोनेंस की वजह से वो ज़्यादा रेडिकल स्टेबल हो जाता है। तो नीचे देखें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, टर्शरी रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड सिंपल, क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं बन सकती मिथाइल के पास, हाँ जी मिथाइल रेडिकल के पास। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो ज़्यादा कार्बन को फोकस करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो मोर स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द फ्री रेडिकल, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो फिर वो लेस स्टेबल होता है वो वाला रेडिकल ना। इसी तरह आप देखोगे कि अगर रेडिकल जिसमें हेट्रो एटम है, तो हेट्रो एटम्स आपको पता है नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरी हेलोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, तो उनकी कार्बन के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट की तरह ना ज़्यादा लेंगे इलेक्ट्रॉन, तो उस वजह से वो उतने ज़्यादा क्या होते जाएंगे, लेस स्टेबल होते जाएंगे। अच्छा, और एक स्टीरिक इफेक्ट्स भी आपके पास आते हैं। समटाइम्स जो स्टीरिक इफेक्ट्स आते हैं ना, आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखाई हुई, कि वो उसको लेस स्टेबल भी कर देते हैं, कि अगर ग्रुप्स इस तरह से आ जाएं कि हालांकि रेजोनेंस हो सकती है वहाँ पे, लेकिन रेजोनेंस इनहिबिशन आपको पता है स्टीरिक फैक्टर की वजह से अगर हो जाए तो रेजोनेंस को इनहिबिट कर दिया जाता है। अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो कि रेजोनेंस की इनहिबिशन हो जाए ड्यू टू क्राउडिंग या स्टीरिक इफेक्ट्स, तो वो बजाय इसके के स्टेबल होने के वो लेस स्टेबल भी हो जाता है। उसकी अभी एग्जाम्पल नहीं दी गई भी। अच्छा, फोर्थ पे देखें, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड भी आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ, कि जैसे अब आपके पास ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड के, नीचे आपके पास बेंजीन है, फिर मिथाइलिन ग्रुप है और क्लोरीन, और आपका कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक करता है होमोलिटिकली, इतनी एनर्जी चाहिए, और उसके बाद जो 88 किलो कैलोरीज पर मोल चाहिए, बड़ी थोड़ी सी ये एनर्जी है। क्यों? क्योंकि बनने वाला जो रेडिकल है वो स्टेबल बन रहा है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आपका रेजोनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा वो फ्री रेडिकल का इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर्स कई बना सकता है, तो वो स्टेबल है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखें कि आपके पास यहाँ पर बनेगा एलाइल रेडिकल। ठीक है, तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बड़ी आसानी से ब्रेक कर रहा है, 60 किलो कैलोरीज पर मोल। अब तक जितने भी हमने बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जीज पढ़ी हैं, सबसे कम ये एलाइल ग्रुप में देख रहे हैं। वजह इसकी क्या है? क्योंकि जो बनने वाला रेडिकल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। अब अगर जितने ज़्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे, ठीक है, उसमें भी रेजोनेंस की वजह है, और जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है उस बनने वाले रेडिकल की, उतनी लेस डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो ओवरऑल समराइज करें तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आता है, एलाइल रेडिकल अब तक सबसे कम बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी के साथ नंबर वन पे रहा स्टेबिलिटी के लिहाज से, फिर बेंजाइल रहा, ठीक है 68 है, फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और फिर सिंपल जैसे मिथाइल था। अच्छा, अब वो पॉइंट जो पहले भी डिस्कस किया था कि
के प्रेजेंस ऑफ हेट्रो एटम। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा था जब फ्री रेडिकल के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता था तो वो लेस स्टेबल हो जाता था, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होती थी। यहाँ पे भी देखें जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, यानी कि फ्री रेडिकल के साथ हाइड्रोजन है, तो आपके पास जो एनर्जी चाहिए 104 किलो कैलोरीज पर मोल है मीथेन का जो रेडिकल बना है। अब अमोनिया से जब बना तो अगेन 103 किलो कैलोरीज पर मोल है, और वाटर में है तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और आपके पास ये जो रेडिकल बन रहा है ये भी 119 है, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन है तो इसके साथ भी आपके पास जो रेडिकल बने हैं तो इसमें जो है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए आपको। और मीथाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं अमीन रेडिकल से, ठीक है, फिर हाइड्रोक्सिल रेडिकल से और फ्लोरीन रेडिकल से। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो उतना ज़्यादा उसे बॉन्ड को ब्रेक करना भी मुश्किल है और बनने वाला रेडिकल भी लेस स्टेबल है। हाँ जी, एप्लीकेशंस ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं स्लाइड नंबर 20 पर। तो यहाँ पर हम FSC में एक पढ़ते होते थे कि एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स टू द अनसिमेट्रिक अल्कीन्स। इसमें हम एक तो प्रोडक्ट बनता था, यानी अल्काइल हैलाइड्स बनते थे मार्कोनिकोव्स रूल के तहत, और एक एंटी मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बनता था। तो उसी चीज़ को आप यूज़ करते हुए, अगर आपको याद है FSC, तो आप जो प्रोडक्ट आपका फ्री रेडिकल से बनता था वो डिफरेंट होता था एज़ कम्पेयर टू द प्रोडक्ट विच इज़ इन विच फ्री रेडिकल्स आर नॉट इन्वॉल्व, ठीक है। अब फ्री रेडिकल्स तब बनते थे हम जब पर एसिड पर ऑक्साइड्स हुआ करते थे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स में बताया कि जब पर ऑक्साइड्स होते हैं तो वहाँ पर जनरेट होता है, आपके पास फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा मटेरियल होगा तो प्रोडक्ट जो है वो बनता है एंटी मार्कोनिकोव्स। अब यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल लिखा हुआ है जो आपको पता ही है क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव भी पता है। नेक्स्ट, अच्छा, इसके अंदर जो जब मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बनता है तो एक्चुअली उसके अंदर आपके पास बन रहे होते हैं केटाइन एनायन। होमोलिटिक क्लीविज हाइड्रोजन ब्रोमाइड की नहीं होती, हेट्रोलिटिक क्लीविज होती है, और फिर सबसे पहले प्रोटॉन एडअप होता है आपके पास अनसिमेट्रिक एल्कीन में, और फिर वो बनाता है कार्बोनियम आयन। तो वो आपको पता है कार्बोनियम आयन भी स्टेबिलिटी की तरफ जाता है, तो फर्दर वो हैलाइड को वहाँ पर ऐड करता है, हैलाइड आयन को, जहाँ पर कार्बन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होता है, तो मार्कोनिकोव्स प्रोडक्ट बनता है। जैसे 2-bromoprolpane बन रहा है, प्रोपीन के अंदर अगर आप एडअप करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड तो मार्कोनिकोव रूल के तहत 2-bromoprolpane बनता है। लेकिन अगर आपने N-bromoprolpane बनाना है, ठीक है, इसकी एप्लीकेशन ऐसे आप लिखेंगे कि अगर आपने N-bromoprolpane बनाना है तो फिर आपको फ्री रेडिकल यूज़ करने पड़ते हैं। उसके अंदर इन्वॉल्व होता है इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास जो पर ऑक्साइड्स हैं आपको पता है कि वो ब्रेकअप हो जाते हैं, जनरेशन मेथड में बताया है, उसके नतीजे में आपके पास वो बनाते हैं फ्री रेडिकल। तो वो फ्री रेडिकल क्या करता है, कार्बन के ऊपर आप देखें 2 bond हैं ऑक्सीजन और एक तरफ R ग्रुप है, तो एक उसके पास फ्री रेडिकल मौजूद है, तो हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके वो बना देता है। आपके पास एक तो बन रहा है आपके पास एल्डिहाइड, दूसरा आपके पास ब्रोमीन का रेडिकल बन गया, ठीक है। अब ब्रोमीन का रेडिकल अटैक करता है जब अनसिमेट्रिक कीटोन अल्कीन के पास, तो आपके पास रेडिकल फर्दर जनरेट हो गया, ठीक है, पर ऑक्साइड्स ने जन फ्री रेडिकल बनाया, उसने HBr का ब्रोमीन का रेडिकल बना दिया, ब्रोमीन ने अनसिमेट्रिकल एल्कीन का भी फ्री रेडिकल बना दिया,
और फिर उसके नतीजे में आपको पता है अगर उसके पास पॉसिबिलिटी और रीअरेंजमेंट की फ्री रेडिकल के पास या कार्बोनियम आयन के पास, तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी पे जाता है, अगर जा सकता है टर्शरी पे तो उस पर भी जाने की कोशिश करता है, रीअरेंज होता है रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी प्राइमरी रेडिकल है वो कन्वर्ट हो रहा है, रीअरेंजमेंट इसे कहते हैं सेकेंडरी रेडिकल में। इस वजह से सेकेंडरी रेडिकल में जब आपके पास ऐड होगा हाइड्रोजन का रेडिकल तो आपके पास बनता है एन ब्रोमो प्रोपेन, आपके पास जो है टू ब्रोमो प्रोपेन नहीं बनता। तो ऐसा प्रोडक्ट जब आपको ऐसा अल्काइल हैलाइड चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड वो भी स्पेसिफिक टाइप का जिसमें एंटी मार्कोनिक ऑक्स प्रोडक्ट इन्वॉल्व होता है, तो आपको फ्री रेडिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट स्लाइड में डिफरेंसेस बिटवीन मार्कोनिक ऑफ्स एंड एंटी मार्कोनिक ऑफ्स, ये सारा वो एफएससी वाला कॉन्सेप्ट है कंपेयर करके बता रहा है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये भी एफएससी की तरह है कि आपके पास अल्काइल हैलाइड बनते थे, तो अल्काइल हैलाइड किस तरह से बन रहे होते थे, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के नतीजे में जब हम पढ़ते थे एल्केन्स वगैरह में होती है, तो हम कहते थे सबसे पहले जो हैलोजन है वो इनिशिएशन स्टेप में आपके पास यूवी लाइट चाहिए होती है, जैसे हमने जनरेशन मेथड में पढ़ा है ना कि यूवी लाइट हो तो हैलोजन्स जो है वो ब्रेकअप होते हैं होमोलिटिकली, तो क्लोरीन का रेडिकल बना। प्रोपगेशन में आपके पास एल्केन्स होती हैं, एल्केन्स के अंदर इसने जनरेट कर दिया टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल बना दिया। उसके बाद अगेन ये वंस फ्री रेडिकल इज जनरेटेड इट विल फर्दर इंड्यूस फ्री रेडिकल इन अनदर मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन का अगेन एक मॉलिक्यूल में इसने उसके साथ अल्काइल हैलाइड बना दिया। ठीक है, और एक क्लोरीन का रेडिकल जनरेट हो गया। अब टर्मिनेशन स्टेप में आपको पता है दो फ्री रेडिकल कोई से भी आपस में मिल जाए तो वहीं पे ये टर्मिनेट हो जाता है, चाहे वो टर्शी ब्यूटाइल के दो रेडिकल मिल गए, टर्शी ब्यूटाइल का क्लोरीन का रेडिकल या क्लोरीन का क्लोरीन से रेडिकल है। तो ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स का के लिए भी आपको फ्री रेडिकल चाहिए होता है। अच्छा, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस जिस तरह आपने पहले पढ़ा है उसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ्स एडिशन रिएक्शन था वो HBr का, इसी तरीके से यहाँ पर भी हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रेजेंस में भी इनिशिएशन हो सकती है। ठीक है, जब हमने ये भी पढ़ा हुआ ना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करता है जनरेशन मेथड्स में, तो इसकी इनिशिएशन हो रही है नॉट फ्रॉम HBr या पैरोक्साइड्स की बजाय लिखा हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड स्पेसिफिकली, तो वो भी आपके पास हो जाता है। ठीक है, अब इनिशिएशन में अगेन ब्रोमीन का रेडिकल जनरेट करेगा और आपके पास अनसिमेट्रिक कीटोन के अल्कीन के पास जा रहा है, और फिर रीअरेंजमेंट के नतीजे में जो है ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है और उसका फिर प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड है फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अच्छा, रेडिकल भी रीअरेंज होते हैं, जैसे स्टेबल स्टेबिलिटी में डिफरेंस होता है, इसी तरह ये भी आपको पता है कि ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनना प्रेफर करेगा, तो फिर आपको पता है इसकी पहचान ये होती है कि प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड से डिफरेंट आता है, और उसका एविडेंस ये होता है कि जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिएक्शंस आर इन्वॉल्व्ड दे अंडरगो रीअरेंजमेंट एट सम पोजीशन, और यहाँ पर रेडिकल बनता है और रेडिकल रीअरेंज भी होता है। तो ये एक तरह से आपको अगर प्रोडक्ट रीअरेंज चाहिए तो फिर आपको फ्री रेडिकल यूज़ करना पड़ता है। जैसे आपके पास बेस ट्राइफिनाइल मिथाइल परऑक्साइड अगर है तो आप जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं बनता, जबकि टेट्राफिनाइल ईथेन प्रोडक्ट बनता है, और ये शो कर रहा है कि यहाँ कहीं पर रीअरेंजमेंट हुई। अब रीअरेंजमेंट यहाँ पे दिखाई गई है किस जगह पे होती है, बेस ट्राइफिनाइल मिथाइल परऑक्साइड। अब आपको पता है परऑक्साइड्स बनाते हैं फ्री रेडिकल, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और आपके पास ट्राइफिनाइल मीथाइल रेडिकल बन रहा है। ठीक है, और उसकी रीअरेंजमेंट हो रही है, तो जो कार्बन
जो फ्री रेडिकल ऑक्सीजन पे था वो कार्बन पे आ रहा है, और जो फिनाइल ग्रुप था वो ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो गया। तो यहाँ रीअरेंजमेंट हुई है, ए से सी में कन्वर्जन हो रही है। अब ये दो सी, दो रीअरेंज्ड इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल्स अगर यूनाइट करते हैं तो आपके पास बनता है जो प्रोडक्ट वो नीचे दिखाई गई हुई है, और इससे जो आपके पास अल्केन बनेगी वो टेट्राफिनाइल ईथेन बनेगी, जो कि अगर ये 1-2 रीअरेंज्ड ना होता तो ना बनती। तो 1-2 रीअरेंज्ड प्रोडक्ट इज आल्सो एविडेंस ऑफ द फ्री रेडिकल्स, एंड सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इफ दीज आर रिक्वायर्ड देन फ्री रेडिकल्स आर आल्सो यूज्ड, एंड दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। नंबर 4 इज हंस-डायकर रिएक्शन। होन्स-डायकर रिएक्शन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, हैलोजन्स के साथ मिलते हैं और फाइनली आपको ऑर्गेनिक हैलाइड्स मिलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक हैलाइड्स बनाने के लिए फ्री रेडिकल्स भी यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिए गए हैं, ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन होती है। मैकेनिज्म नीचे दिखाया गया हुआ है, इसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल्स किसी जगह रिएक्टेंट या प्रोडक्ट नहीं होते ऐसा, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, लेकिन ये खास प्रोडक्ट बनाने के काम आते हैं। अच्छा, होता ये कि सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं ब्रोमीन के साथ, ठीक है, और आपके पास एसाइल हाइपोहैलाइड इंटरमीडिएट 2 बना देते हैं। ठीक है, अभी तक फ्री रेडिकल नहीं बना। अच्छा, अब फॉर्मेशन ऑफ द डाई रेडिकल पेयर 3 कब बनता है, जब ये आपके पास ब्रेकअप होता है ऑक्सीजन ब्रोमीन का बॉन्ड होमोलिटिकली। ठीक है, तो फिर आपके पास ये बन रहा है 3 जो कि है एक रेडिकल। ठीक है, और ये रेडिकल फर्दर क्या कर देता है, CO2 निकल जाएगी और आपके पास R रेडिकल बन जाएगा। अब जो आपके पास ब्रोमीन का रेडिकल निकला था पहले, तो वो उससे यूनाइट करके ऑर्गेनिक हैलाइड बना देगा। अब प्राइमरी हैलाइड की यील्ड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अच्छा, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन भी होती है। पारोक्साइड्स मैंने बताया था भी आपके पास बनाते हैं फ्री रेडिकल्स, तो ये देखें पारोक्साइड जो है अनस्टेबल है, फ्री रेडिकल बना रहा है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई आर। अब आर जो है रेडिकल वो अगर इथीन, ठीक है, इथीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एक अगेन रेडिकल बन रहा है प्रोपगेशन स्टेप में। अब ये अटैक करता है अनदर अल्कीन मॉलिक्यूल एंड सो ऑन। ठीक है, अब जिस तरह के भी अल्कीन हो, जितने मर्जी उसमें कार्बन्स हो, तो फर्दर एक रेडिकल ही बनेगा। स्टेप 3 में टर्मिनेशन होती है, टर्मिनेशन बहुत आसान होती है, आपको पता है दो एक जैसे मिल सकते हैं, दो डिफरेंट मिल सकते हैं, रेडिकल्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो सकती है। उसमें होता क्या है कि ये जो आपके पास रेडिकल बना होता है, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल निकल जाए और आपके पास क्या बन रही है, पॉलीइथाइलीन बन रही है, और एक चांस है कि एड अप हो जाए एक अनदर रेडिकल के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, रिडक्शन, एक जगह डिस्प्रोपोर्शनेशन में एक जगह हो रही है रिमूवल और एक जगह हो रही है एडिशन, और तो फिर रिडक्शन। जब ऑक्सीडाइज जहाँ हो रहा है तो वो अल्कीन बन रही है और दूसरा रिड्यूस हो रहा है कि और कन्वर्ट हो रहा है अल्कीन के अंदर, पॉलीइथाइलीन और पॉलीइथेन भी बन रहे हैं, और इसके नतीजे में आपके पास टर्मिनेट भी हो रहा है फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स आपके पास आ रही हैं। दूसरे फ्री रेडिकल्स पॉलीमर्स बनाते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, पॉलीस्टरीन बनता है।
अच्छा, कुछ स्पेशल नेक्स्ट स्लाइड में रेडिकल इनहिबिटर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे वाइटामिन ई, वाइटामिन सी जो है लिविंग सेल्स में ना फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के काम आते हैं। ऑक्सीजन भी आपके पास डाई रेडिकल की तरह है, ये भी इजीली रिएक्ट कर लेती है रेडिकल्स के साथ, उसे इनहिबिट कर देती है। हाइड्रोकिनोन, ऑक्सीजन, फिनोथायाजीन आर सम एग्जाम्पल्स। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हाइड्रोकिनोन। हाइड्रोकिनोन अगर आपके पास एक आर रेडिकल है तो ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट अपना उसके साथ मिला के उसको रोक लेती है फर्दर रिएक्शन से, ठीक है, इनहिबिट कर देती है। और एक और भी ये जो है हाइड्रोकिनोन एक और हाइड्रोजन भी दे सकती है आर रेडिकल को, फिर उसे पकड़ लेती है और कन्वर्ट हो जाती है बेंजोकिनोन में, ठीक है, तो वो जो आर है वो इनएक्टिव हो जाता है। मेथड्स ऑफ डिटेक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स में लेड मिरर इज डिपॉजिटेड ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ अ ग्लास ट्यूब, दीज मिरर्स आर डिसअपीयर्ड व्हेन अटैक बाय फ्री रेडिकल्स, सो बाय वेरिंग डिस्टेंस ऑफ मिरर्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल जनरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ कैरियर इनर्ट गैस फ्री रेडिकल्स कैन बी डिटेक्टेड, मैग्नेटिक फील्ड इज यूज, सेवरल रेडिकल्स आर कलर्ड और प्रोड्यूस कलर रिएक्शन विच कैन बी डिटेक्टेड बाय कैलोरीमेट्री। एंड दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल इन दिस प्रेजेंटेशन।